हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज संडे है, संडे की राइड है और आज हम जा रहे हैं संजय वन, जो कि वसंत विहार और मेहरौली के बीच का एक छोटा सा जंगल है दिल्ली में। तो आज हम संजय वन को एक्सप्लोर करेंगे और यहां से जो डिस्टेंस है वो लगभग 22-25 किलोमीटर है हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जो संजय वन है। तो हमें वही मोर देन 1 आवर लगने वाला है और हम आराम से रुकते हुए जाएंगे ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो जो मीटिंग पॉइंट हमारा है वो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में रिलायंस स्टैंड पे। तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पे हमारे दोस्त आएंगे तो वहाँ से मिलकर हम आगे चलेंगे। तो आज आपको हम दिखाते हैं संजय वन। दोस्तों देखो, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पहुंच चुके हैं और हमारे सारे फ्रेंड आ चुके हैं। तो आज हम टोटल 5 राइडर्स हैं जो जा रहे हैं संजय वन और आज हम संजय वन को एक्सप्लोर करेंगे। समय हो चुका है 5:40, तो अभी हम निकल रहे हैं तुरंत ही। तो हमारा जो रूट है वो दिल्ली कैंट होते हुए और जो बसंत कुंज का रास्ता है वहाँ से जाएंगे हम। ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं सारी और आज संडे का दिन है तो अभी चलते हैं। दोस्तों अभी वसंत कुंज को थोड़ा क्रॉस कर लिया है और यहाँ से जो संजय वन है लगभग 6 किलोमीटर और डिस्टेंस रह गया है। अभी हमने एक ब्रेक लिया है और अभी रोड ब्रेक लिया है, काफ़ी थक गए हैं हमारे दोस्त। तो अभी इसके बाद हम जाएंगे सीधा संजय वन को और ये है वसंत कुंज का एरिया। अभी संजय वन लगभग 4-5 किलोमीटर रह गया है और राइड का बहुत ही मज़ा आ रहा है और यहाँ से कुछ ही दूरी पे है संजय वन। और रोहित भाई, क्षितिज, ऑलराइट दोस्तों, वी आर रीच्ड एट संजय वन। जो समय हुआ है वो लगभग 8 बज चुके हैं और हम चले थे जनकपुरी वेस्ट से लगभग 5:50 पे। तो हमें मोर देन 2 आवर्स लग चुके हैं और काफ़ी मतलब कि सफ़र अच्छा ही रहा, कोई परेशानी नहीं हुई। तो अब हम ऑफ रोडिंग करेंगे संजय वन की। तो ये काफ़ी बड़ा एक छोटा सा जंगल है दिल्ली के अंदर का, एरिया लगभग 550 हेक्टेयर का है। तो पूरा डेंस फॉरेस्ट एरिया है ये और यहाँ पे आप बाइकिंग करते हैं तो काफ़ी एंजॉय होता है क्योंकि काफ़ी ऑफ रोडिंग है। आप ऑफ रोडिंग का मज़ा यहाँ पे आके ले सकते हैं। तो यहाँ देखने का बहुत कुछ है, जैसे कि एक लेक है यहाँ पे, छोटी सी तालाब है और इसके अलावा एक ओल्ड बहुत पुराना कुआं है और एक प्लेटफॉर्म है, वॉच टावर भी कहते हैं उसको। तो आप वॉच टावर से पूरा जंगल देख सकते हैं, वहाँ से आपको
कुतुब मीनार दिखाई दे जाएगा, तो काफ़ी शानदार जगह है। तो यहाँ पे घूमना ही बहुत ही शानदार एहसास होता है, बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि पूरा ग्रीनरी है चारों तरफ और डेंस फॉरेस्ट है एक तरह का पूरा। और दिल्ली में आपको फॉरेस्ट मिल जाए तो मज़े ही आ जाते हैं, वारे न्यारे हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं लेक पे, जो यहाँ की लेक है, तो आपको अब लेक दिखाएंगे, उसके बाद जो भी यहाँ के फेमस प्लेसेस हैं आपको वो हम दिखाएंगे। तो आप एंजॉय कीजिए हमारा ब्लॉग को। दोस्तों हम संजय वन पहुँच चुके हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है और मोर देन 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये दिल्ली का छोटा सा जंगल है और जहाँ हम खड़े हैं ये है एक छोटी सी लेक है जिसमें बत्तखें तैर रही हैं। तो हम थोड़ा अंदर चलते हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ। ये हमारी सारी बाइसिकल्स खड़ी हैं और हमें लगभग मोर देन 2 आवर्स लगे यहाँ तक आने में, काफ़ी हम रुकते आए हैं। और इस समय जो टाइम हुआ है वो लगभग 8 बज चुके हैं और मेरे राइट हैंड पे ये देखिए लेक, संजय वन की लेक, और ये बहुत ही प्यारा व्यू और हमारे साथ ही सारे बाइसाइकिल राइडर्स हैं ये, अभी नए नए बने हैं सेकंड राइडर हमारी, थर्ड। हम सब बैडमिंटन ग्रुप के मेंबर भी हैं, सारे बैडमिंटन खेलते हैं पिछले 6 साल से। हाँ, और ये डांस करते हैं, डांस करती हुई प्रदीप की सोलो डांस चमक रही है। आगे ले जाऊँ हमारे पीछे ये बहुत ही पुराना वेल हुआ है और सैनी साहब इसका इंस्पेक्शन करने गए हुए हैं। हाँ जी, है पानी है कुएं में, 25 फीट का पानी है। आवाज घुस के बहुत ही शानदार ये जंगल पार्क। ये एक छोटी सी ऊंची पहाड़ी पे हम खड़े हो गए और ये हमारे सैनी साहब, काफ़ी कुछ है देखने को संजय वन में, बहुत ही शानदार है। हाँ, ये पूरा पहाड़ी, ये पूरे पहाड़, छोटे छोटा सा पहाड़ है, हम ऊपर चढ़े हुए। अभी एक वॉच टावर है वहाँ पे, ट्राई करते हैं ढूंढने की, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसमें पता ही नहीं चलता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। ये वॉच टावर है यहाँ का, संजय वन का वॉच टावर, यहाँ से पूरा जंगल नजर आता है और सामने कुतुब मीनार दिख रहा है। और ये देखिए सामने कुतुब मीनार है। ये वॉच टावर से अपनी साइकिलें देखते रहना। चलो हम ऊपर चलते हैं। अभी तो हमने 5% भी नहीं देखा है, नहीं देखा, बहुत बड़ा है। अगर जीडी को जल्दी ना हो ना, हमने 100% देख लिया। ओए होए होए होए, 100% है। ओए होए होए, दोस्तों अभी हम संजय वन से निकल रहे हैं और मोर देन 1 आवर हमने यहाँ पे
संजय वन को एक्सप्लोर किया है और मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे जो लेक है यहाँ की, और इसके अलावा एक छोटा सा कुआं भी था, बहुत पुराना कुआं है वो, और वॉच टावर भी दिखाया है जहाँ से पूरा संजय वन का नजारा दिखाई देता है और वहाँ से आप कुतुब मीनार भी देख सकते हैं। ऑफ रोडिंग करने का मजा तो बहुत ही शानदार है यहाँ पे, तो काफी ऑफ रोडिंग भी की हमने यहाँ पे बाइकिंग की। तो अब हम जा रहे हैं वापसी अपने घर को, यहाँ से हमें वही वापसी में भी 2 आवर्स लगने वाले हैं, तो आप हमारे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। एक बात और बता दूं कि अभी हम थोड़ा स्नैक्स के लिए अपना दिल्ली कैंट जाएंगे, जो वहाँ पे अग्रवाल की मशहूर, सबसे मशहूर लस्सी मिलती है, तो लस्सी के साथ कुछ स्नैक्स भी लेंगे, तो वहाँ पे उसके बाद हम वापसी घर चले जाएंगे, तो आप एंजॉय कीजिए। तो अब सदर बाजार जो अग्रवाल लस्सी वाला है वहाँ पे पहुँच गए रोहित भाई का हाल देखो पूरे फेल है भाई पूरे फेल हो चुके हैं पूरे फेल हो चुके हैं होते सब उड़ गए। अभी लस्सी और ढोकला वगैरह लिया है तो खाते हैं लस्सी अग्रवाल की फेमस अग्रवाल लस्सी दिल्ली गांड सदर बाजार लस्सी वाला तो दोस्तों ये बाइसिकल का मेरा सेकंड ब्लॉग है। आपने अगर फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा होगा तो आप वो देख लीजिए, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में जाके दे दीजिएगा। तो दोस्तों कोई भी मेरा अगर नया व्यूअर्स है जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आपको इसी तरह के वीडियो ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। एट लास्ट दोस्तों राइड हार्ड राइड सेफ वंदे मातरम एंड जय हिंद।